ਪੰਜ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆਇਆ ਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੈ ਸ਼ੌਕੇ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜ਼ੈਮ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਆਪਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਆ ਸੁਣਨਾ ਥਾ ਆਪਨੇ ਯਹਾਂ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਨਕੋ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕ ਸੇ ਹੈ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਲੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ हमें अंदर बैठ के मीटिंग्स में कहते हैं हम इत्तेजाज करेंगे हम लोगों को दिखाएंगे टोपी ड्रामा करेंगे ये हमें अंदर बैठ के यही बातें कहते हैं ये अगर इनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया तो ये रिजाइन क्यों नहीं करते क्यों इख्तदार में बैठे हुए हैं ये लोग 64 आपने एक और बड़े मजे की बात कर दी है कि इन्होंने मुल्क का जो है वो सत्यानाश कर दिया है यानी कि आप इसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ गलत किया है आप लोगों की तरफ से गड़बड़ हुई है आपने गलत पॉलिसी गलत फैसले मैं अली ये बात कह रहा हूँ अली बात मैं ये कह रहा हूँ कि बात सुने ये हमारे साथ बैठ के सारे मुजाकरात करते हैं अंदर बैठ के ये मजे उड़ाते हैं हमें कहते हैं बाहर हम टोपी ड्रामा करेंगे भाई आप अगर 64% पे हुक्मरान है आपको इतना दर्द है तो क्यों असेंबली में बैठे हैं आप रिजाइन करें कल इलेक्शन हो जाएंगे नई हुकूमत आ जाएगी बसरा साहब सिर्फ इतना बताएं आपकी नजर में ताजरों की कोई अहमियत है ताजरों की कोई कदर है आपकी नजर में बिल्कुल है ताजर ठीक है अगर आपकी है तो मैं जरा एक दफा फिर यहाँ पर ताजरों की तरफ चलता हूँ जरा क्विकली हम इनकी राय एक दफा फिर सुन लें कि ये किस मुश्किल में इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना है जी जनाब मुश्किलें तो बेशुमार हैं लेकिन मैं बात करूंगा ये जो खबर है अदलिया ने रेंटल पावर पर गैर कानूनी करार दे दिया है रेंटल पावर को तो मेरा अदलिया से गुजारिश है ये सिस्कती हुई आवाम पे एक एहसान और करें कि ये जितने चारों सूबाई हुकूमतों को और मरकजी हुकूमत को पाबंद कर दें कि सारे मंसूबे रोक कर सबसे पहले बिजली का मसला हल किया जाए सारा जो खरबों डॉलर जो लगाया जा रहा है दूसरे तरक्याती कामों पे इसे रोक कर पहले जो ये हमारी हुकूमत का ये हिसाब है मरीज़ कैंसर का है और पहले बुखार का इलाज किया जा रहा है पहले ये कैंसर का बिजली का इलाज किया जाए जिससे मुल्क चलना है निज़ाम चलना है मशीन चलनी है लोगों का रोज़गार चलना है बिल्कुल सही है जी इसी पर हम बात को यहाँ पर फिलहाल रोकते हुए ब्रेक की तरफ जाते हैं कि पहले बिजली के मसले को हल किया जाए बाकी मसाइल फिर बात की तरफ देखे जाए क्योंकि अगर बिजली होगी तो हमारे मुल्क की जो मईशत है ये चलेगी मईशत का जो पहिया है ये आगे चलेगा नहीं तो इसी तरह से ये जैम हो जाएगा ना यहाँ पे कोई कारोबार होगा कारोबार नहीं होगा तो फिर हमारी मईशत ने आगे की तरफ क्या जाना है सब यहाँ से फिर अपना काम उठा के किसी और मुल्क निकल जाएंगे और ये तो यकीनन हम नहीं कभी चाहेंगे इस पर मजीद बात होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में हम पब्लिक के साथ मौजूद हैं ताजिब बिरादरी के साथ मौजूद हैं और इनसे बात कर रहे हैं और इनकी राय जानने हैं कि बिजली की बंदिश पर ये क्या कह रहे हैं और साथ में अब सिर्फ बिजली की बंदिश का ही मामला लिया सबको अफसोस के साथ ये मुझे बताना पड़ रहा है अगर किसी को पहले से नहीं मालूम था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनमें इजाफा हो चुका है और इसकी सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है 105.68 रुपये पर पेट्रोल पहुँच चुका है और ये इजाफा 8.02 रुपये का इजाफा है जो कि कर दिया गया और रात 12 बजे के बाद इसका ये एप्लीकेबल हो जाएगा और दूसरी तरफ बिजली जो है वो तो मिल नहीं रही ज़ैम कादरी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं और इसी तरह से शौकत बसरा साहब भी स्टूडियोज में मौजूद हैं यहाँ पर लोग अपनी राय का इजहार करें एक दफा फिर इससे पहले कि हम शौकत बसरा साहब और ज़ैम कादरी साहब की तरफ चलें यहाँ पर एक दफा फिर लोगों से पूछते हैं कि इस संगीन मसले पर वो क्या कह रहे हैं और उनकी क्या राय है ये बताइए कि जो हुकूमती दावे हैं या यहाँ पर जो लोगों ने अब तक बात कही है आप ताजर हैं यकीनन ताजर होना एक तरफ आप भी घर जाते हैं घर पे आप भी देखते हैं कि बिजली का जो मसला है आप भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं उस मुश्किल में से आप भी गुजरते हैं आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं कि जहां पर लोगों ने यह भी कहा है कि इन सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए और ये सभी झूठे हैं या ये सभी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं सभी करप्ट हैं शौकत बरसा साहब से तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इतना जुल्म इस पाकिस्तानी आवाम पर करें कि कल को आप बर्दाश्त कर सकें ठीक है दूसरी बात यह कि इसने पाकिस्तानी आवाम को इतना जुल्म इन्होंने किया है कि आज तक किसी गवर्नमेंट में इतना जुल्म नहीं किया जब ये अमेरिका जाते हैं तो डॉलर मांगते हैं वहाँ पे भिखारियों जैसे बैठ जाते हैं
वहाँ से डॉलर मांग सकते हैं, लाइट ये किससे नहीं मांग सकते हैं? इस आवाम के लिए अपने जेबें जब भरते हैं तो डॉलर मांगने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। अब ये लाइट का इशू है तो ये आप ये लाइट किससे भी नहीं मांग सकते, अपने सब कुछ इनके पास मौजूद है। और ये डॉलर जो आते हैं अपने अपने जेबों में इस्तेमाल होते हैं, जो लाइट का मसला है वो इनके जेबों में पेमेंट नहीं आ रही। अगर लाइट का मसला हल नहीं हुआ तो आप ताजर भाई क्या करेंगे? हम तो पहले भी सड़कों पे आ रहे हैं, अभी सड़कों पे आते रहेंगे। ताजर लेकिन आप सड़कों पर क्या अपनी मर्जी से जा रहे हैं या कोई सियासी जमात आपको कह रही है कि आप सड़कों पे आए एहतजाज करें, दुकानें बंद करें? एग्जैक्टली हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हमें कोई सियासी जमात कोई भी नहीं कह रही, ना आज तक हमारे सियासी जमातों से कोई लिंक ही नहीं है। हम ताजर बरादरी हम अपनी मर्जी से जाते हैं। सियासी जमातों से तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इन्होंने कब्र की चार दीवारियों में इस पाकिस्तानी आवाम को ढकेल दिया पीपल पार्टी ने। हम इनसे नवाज शरीफ को हम ये ऐलान करते हैं कि आप आएँ और ताजर बरादरी आपके साथ है। लॉन्ग मार्च में आपने अदलिया किले की है तो इस आवाम के लिए बिजली के लिए भी किले। ठीक है जी, जी। अली भाई मुझे एक बात करनी है। बसरा साहब ने ये कहा कि 20वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद हैं बिजली पैदा करने के लिए। मुझे सिर्फ इनसे एक बात करनी है कि नंदीपुर गुजरांवाला के पास एक नहर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बन रहा है 450 मेगावाट का, उसका जो मशीनरी है वो आज तक कराची में पड़ी हुई है और 20वीं तरमीम में सूबे तो आज़ाद हैं मगर फाइनल जो साइन करने हैं वो मरकज ने करने हैं। मरकज क्यों पंजाब के तमाम मंसूबों को डिले करके बैठा हुआ है, क्यों उस पर साइन नहीं कर रहा? नंबर दो, मुझे जो बात करनी है बसरा साहब से करनी है, मेरा मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से समझता हूं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जब भी आई है इसने हम पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क किया है, हमें इसने रोटी और कपड़े के चक्कर में डाल दिया है। आज भी ये लोग बिजली पेट्रोल और हर चीज को महंगा करके और शॉर्टेज करके अवाम को नफसियाती मरीज बना रहे हैं। ये अवाम जो नफसियाती मरीज बन रही है, ये अवाम तशद्दुद की तरफ जा रही है। आप देख लें आज लाहौर में नून लीग की रैली हुई है, हजारों का मजमा था मगर वहां पे एक बल्ब भी नहीं टूटा गया। ठीक है जी, नफसियाती मरीज लोगों को बनाया जा रहा है। आखिर में भाई आप क्या कहेंगे, फिर उसके बाद हम शौकत बसरा साहब और ज़ैन कादरी साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे। जी अस्सलाम, ये जैसा मेरे भाई ने कहा है कि आम पब्लिक को नफसियाती मरीज बनाया जा रहा है, मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ, इसलिए कि कौन सा ऐसा घर है कि जहाँ पर आज नफसा नफसी नहीं है। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा तमाम लीडरान से कि खुदारा इस मुल्क को सोमालिया या इथोपिया ना बनाओ, इस मुल्क को पाकिस्तान को पाकिस्तान ही रहने। ठीक है, सोमालिया या इथोपिया ना बनाया जाए। शौकत बसरा साहब आपने सुन लिया, आपने आखिर में यहाँ पर भाई ने क्या कहा कि ये ताजर भी नहीं है, ये शायद वो हैं कि जो घर जाते हैं और जाके वहाँ पे बिजली की बंदिश देखते हैं और देखते हैं कि घर में किस तरह से लोग परेशान हैं और बच्चे रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सोमालिया इथोपिया ना बनाया जाए। अली मैं कहता हूँ, अभी एक ताजर भाई ने ये भी अब मशवरा दिया था और राय दी थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इसमें सो मोटो लेना चाहिए ताकि असल हकायक कौम के सामने आ सकें। आप डे बाई डे इसकी हियरिंग करें, एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर सुनाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, कि वो लोग जो जिम्मेदारान हैं, अगर हम लोग भी हैं तो मैं तो बार बार कहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब नॉन इशू को छोड़ें, असल इशू आज एनर्जी का है, बिजली का है। भाई मैंने अपने हल्के की आपके सामने ली बात की है, सुन ले मेरी बात, 18 घंटे मैंने पाकिस्तान सुन ले मेरी बात, मुकम्मल यार मेरी बात मुकम्मल होने दे, चुप कर मियां शहबाज कादरी साहब को मौका दीजिए प्लीज। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है आज से दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करते। जो सो मोटो की बात कर रहे हैं ये उस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं करेंगे, ये जान छोड़ दे इस मुल्क की, लूटमार का बाजार बंद कर दे, इस कौम को माफ। हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में आखिर में हम आपसे ये हाथ जोड़ रिक्वेस्ट भी करते हैं कि काइंडली अगर इसी तरह से आपस में झगड़ों में ही मामला चलते चले जाएंगे, अगर एक कहेगा जी हमने ये किया, दूसरा कहेगा हमने ये किया, फिर एक ये कह दे जी हमने जिम्मेदारी इसकी तस्लीम कर ली, हमने कबूल कर लिया कि गलत है पर हम इसके बारे में संजीदा भी हैं, तो ये मसाइल हल नहीं होने वाले। इन मसाइल को हल करने के लिए यकीनन जो सियासी मफादात हैं उनको एक तरफ करके मुल्की मफादात को सामने रख के जब तक नहीं फैसले किए जाएंगे यकीनन इस मसले का हल नहीं हो सकता। और जहां तक हम अवाम के नारे लगाते हैं कि जी अवाम ने हमें मुंतखब किया है, अवाम हमें इक्तदार में लेके आई है, अवाम ही फैसला करेगी, अवाम के पास हम जाके पूछेंगे जी आपने क्या करना है, या कभी कभी कहा जाता है अदालतों को हम नहीं मानते या इसको नहीं मानते उसको नहीं मानते, तो ये अवाम ही आपके सामने आज यहाँ पर मौजूद थी। और ये बिजली के मसले पर सभी इतने परेशान हैं, तंग हैं कि इनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इनकी बर्दाश्त को इनके सब्र को मजीद ना आजमाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता रहा तो एक वक्त आएगा कि जब बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी के कहे, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये इंफरादी तौर पर सड़कों में निकलेगा, एहतजाज करेगा और फिर मामला
किसी के भी कंट्रोल में नहीं होंगे, चाहे वो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट हो या चाहे वो सूबाई हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हो। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हम लोग का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नगेबान।